हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इरेडा में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि इन्होंने अपना नया डिवीजन खोला है टू टारगेट रिटेल कस्टमर्स। B2C सेगमेंट के लिए इन्होंने नया डिवीजन खोला है, मतलब छोटे छोटे लोन भी कंपनी देने वाली है। इस न्यूज़ के कारण इसमें आज स्ट्रांग अपर सर्किट लग गया और अभी एम ऑर्डर लगी हुई है 68 लाख शेयर्स की बाइंग के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त एम ऑर्डर लगी हुई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि इरेडा के शेयर को बेचना नहीं है, होल्ड करना है। जल्दी ही शेयर ऊपर जाएगा और आज इसने अपना 52 वीक हाई 85 रुपीज़ को टच कर दिया। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। कंपनी जो सेगमेंट में काम करती है बढ़िया है, इसीलिए अगर आपने होल्ड करके रखा होगा तो होल्ड कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया होगा तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर कल और वो ऊपर भी जाता है तो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें आएगी। ऐसा नहीं है कि नॉनस्टॉप ऊपर ही जाएगा, कोई भी शेयर लगातार ऊपर जाता नहीं है। कल भी ऊपर जाएगा, खुलेगा डेफिनेटली, बट उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया होगा तो बेचने की गलती मत करना, और शॉर्ट टर्म का नजरिया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से गिरावट का वेट करना है। और जो लोग ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इस लेवल पर अभी बाय करना थोड़ा सा हाई लेवल पर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गिरने दीजिए, गिरने के बाद फिर से एक करेक्शन होगा जब फिर से आप एक्यूमुलेट हर गिरावट में थोड़े थोड़े शेयर कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इरेडा एक मल्टीबैगर स्टोरी हो सकता है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में आपने थोड़े बहुत शेयर्स बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। बाकी इरेडा में जो है अभी Q3 के रिजल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। Q1 और Q2 के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, तो आने वाले दिनों में ये और भी ऊपर जा सकता है। हो सकता है कुछ ही दिनों में हमें 100 रुपीज़ के लेवल भी दिखा दे, बट थोड़ा सा करेक्शन होगा फिर ऊपर जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो आप बने रहिए इरेडा के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।